हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा रूटीन जो है अपना चेंज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। और सबसे पहले जो मैं रात को पानी भिगो के रखती हूँ, जीरा या अजवाइन का पानी, वो मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं अपना जो सुबह की रिचुअल्स है वो कंप्लीट करूँ, तब तक वो पानी भी बॉयल हो जाए और फिर मैं उसको ले लूँ। तो सबसे पहले वॉशरूम में आकर के मैं अपना जो है फेस वॉश करती हूँ, और हल्का सा फेस वॉश लेकर के मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि रात भर जो है ऑयल इकट्ठा होता रहता है, तो उसकी वजह से सुबह एक बार हल्का सा, क्योंकि ये मेरे पास जो है द बाउंड्री शॉप का विटामिन ई वाला फेस वॉश है, काफ़ी स्किन को ना सॉफ्ट रखता है और मॉइस्चराइज रखता है, तो इसको मैं अर्ली मॉर्निंग यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ, इससे ना मतलब एक एनर्जी सी मिलती है मुझे। कई लोग होते हैं जो सिर्फ सिंपल पानी से भी वॉश करते हैं, बट मुझे फेस वॉश यूज़ करना पसंद है, तो उसको करके ब्रशन अप वगैरह मैं करती हूँ, और फिर अपने फेस पे एक तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र है वो भी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो फिर वो मतलब एक ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइज रहेगी, तो जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है ना पानी की, उसी तरह से स्किन को भी ज़रूरत होती है अच्छे से मॉइस्चराइज़र की। तो यहाँ पे जो पानी है मेरा वो बॉयल हो चुका है, और अब मैं इसको डालूँगी। तो कभी एप्पल साइडर विनेगर ले लिया, कभी जो है जीरा वाटर, कभी अजवाइन वाटर, इस तरह से लेती हूँ, और इसके अंदर मैं एक जो नींबू है वो निचोड़ लूँगी, तो काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह सुबह मुझे चाय पीने की तो आदत है, लेकिन ये सुबह मैं या फिर सिंपल गर्म पानी भी ले लेती हूँ। तो इसको अगर आप रूटीन में लेते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मैंने जो है ना परी के होने के बाद अजवाइन वाटर पिया था, तो उससे जो टमी था ना मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो इसको आप मतलब ले सकते हो, एक जैसे एक हफ़्ता जीरा वाटर, एक हफ़्ता अजवाइन वाटर, ऐसे आप कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और उससे पहले ये वाला पानी पीने से पहले मैं एक गिलास जो नॉर्मल वाटर है ना वो ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि प्यास लगी होती है ना, तो वो इससे प्यास बुझती है। तो पहले एक नॉर्मल एक गिलास पानी, और फिर जो अपना अजवाइन वाला पानी है वो लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं सुबह ही प्रिपरेशन कर देती हूँ ब्रेकफास्ट की, मतलब रात को प्रिपेयर करके रख देती हूँ जो भी मुझे बनाना होता है, अगर इनके साथ ऐसा कुछ है तो। जैसे कि मैंने भिंडी है उसको वॉश करके सुखा के काट के रख दिया था, और प्याज है उसको भी छील के रख देती हूँ। तो प्याज मेरा अराउंड हफ्ते से 10 दिन चल जाता है, अगर मैं उसको एयरटाइट कंटेनर में इस तरह से छील के रखती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है ये प्रोसेस। तो वो सब चीज़ें मैं फ्रिज से निकाल दूँगी। उसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज मैं घर पे ही जैसे करती हूँ, तो मैं अपने जो उसके लिए रेडी हो जाती हूँ, अपने ड्रेस चेंज करके और शूज़ वगैरह पहन के अपना पूरा रेडी हो जाती हूँ। और थोड़ी बहुत देर के लिए अगर मुझे लगता है वॉक पे जाना है, तो कभी वॉक पे चले जाती हूँ, कभी घर पे कर लेती हूँ, लेकिन एक फ़िक्स नहीं हुआ है अभी कि मैं कंटिन्यू उस चीज़ को करती हूँ। बट हाँ, मैं ट्राई करती हूँ अपना पूरा उन रिचुअल्स को कम्प्लीट करने का। साथ में ही मैंने मुझे ध्यान आया कि मैं आज जो है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि भिंडी वगैरह बनेगी तो वो लंच में काम आएगी, बट ब्रेकफास्ट में मैं कुछ दूसरी चीज़ें बनाऊंगी, तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, रात को प्रिपरेशन करके रख दी थी, तो मैंने जो मूंग दाल होती है ना उसको स्प्राउट बना के रखा हुआ है, तो वो भी निकाल देती हूँ, ताकि ये जो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो देखिए, स्प्राउट्स बने हुए बहुत अच्छे से, इसका हम जो है चीला बनाएंगे, और भिंडी हम जो है लंच में यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रख दी हैं। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और पार्ट होता है मेरा रूटीन का, वो है जो डिटॉक्स वाटर है वो बनाना। तो इसकी रेसिपी मैं कई बार जो है शेयर कर चुकी हूँ, तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। एक लेमन को आपको कट कर लेना है, और जो कुकम्बर है हाफ कुकम्बर ले लो, मिंट की 5 से 7 मिंट लीव्स लेनी है, और अदरक को जो है मोटर पेसल में उसको थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके, और ये लेना है, और इसको आपको अपना एक जग ले लीजिएगा, 1 लीटर का जो पानी होता है ना, 1 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें मिला के छोड़ देती हूँ। तो मैं सुबह सुबह इसको कर लेती हूँ, ताकि 9 बजे तक 9 to 10 के बीच में ये मेरा पीने के लिए रेडी हो जाता है। तो डिटॉक्स वाटर इसको जो है सुबह अगर आप बना लो ना, तो 3-4 घंटे में ये रेडी हो जाता है, और चाहे तो आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये मेरा रेडी हो गया है और उसके बाद मैं अपना जो है एक्सरसाइज कर लेती हूँ, आधा घंटा पौना घंटा कभी बाहर जाना है तो वो कर लेती हूँ वॉक पे, तो जिस तरह से मैंने बताया। तो ये ऑनलाइन आपको काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह जो है वो मिल जाती है और आप देख ही रहेंगे जो मेरा वेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। एंड जब ये वीडियो शूट की थी उसके बाद भी 2 से 3 किलो और मेरा बढ़ गया था, क्योंकि बीच में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे शेयर किया था तो वो सब चीज़ें मैं छोड़ दी थी। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेने का, तो प्रोटीन को मैं जो है हाफ़ मिल्क और हाफ दूध है उसमें ले रही हूँ, यानी 200 ml में ये प्रोटीन लेना होता है। बट ये जो प्रोटीन है ये मैं अब भी ले रही हूँ क्योंकि मेरे प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो प्रोटीन आपकी डेली की डाइट में ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कप जो है प्रोटीन पाउडर डाल लिया और आधा दूध और आधा पानी मैंने डाल लिया है, बस इसको ब्लेंड करके और मैं इसको पी लूँगी। तो ये आप दिन में कभी भी किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो मैं मेरे को लगता है कि एक्सरसाइज के बाद वाला जो टाइम है ना वो बेस्ट रहता है, तो मैं इस टाइम पे इसको लेती हूँ। साइड बाय साइड जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच के भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, चलता रहता है दोनों चीज़ें साइड बाय साइड। तो बस अब मुझे क्या होगा, जब मैंने सारी चीज़ें जैसे रेडी करके रखी हुई ना तो मुझे सुबह टाइम नहीं लगेगा। अब फटाफट से ऑयल उधर जो है गर्म हो जाएगा और मैं बड़े बड़े प्याज काट के अपना जो लंच है वो प्रिपेयर कर दूँगी। तो इस तरह से थोड़ी सी प्लानिंग करने से ना डे ईजी हो जाता है। उसके साथ के साथ अभी जैसे जो सब चीज़ें मैंने रखी थी मैं उनको भी उठा के रख दूँगी। और अब तक जो टाइम है वो 8 बज चुके होते हैं। तो भिंडी है जो उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, अजवाइन डाल दी, जीरा डाल दिया और जो सरसों के दाने हैं वो डाल दिए, हरी मिर्ची पीस के रखती हूँ मैं वो डाल दी और इसके अंदर प्याज, और प्याज को बस ज़रा सा भूनूंगी मैं, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। उसके साथ के साथ जो है मैं उसके अंदर जो भिंडी है वो भी डाल दूँगी। साइड बाय साइड जो अपना ब्रेकफास्ट है वो भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने बनाए थे दाल को जो स्प्राउट किया था उसके अंदर मैंने हरी मिर्ची नमक डाल दिया है और थोड़ा हल्का सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा चीला है वो बन जाए। तो प्रोटीन आप ट्राई कीजिए, हर किसी न किसी रूप में आपके लंच में मतलब आपके हर खाने में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्याज के अंदर मैंने जो है हल्दी डाल दी है और सिंपल सी भिंडी बनानी है, बस अब भिंडी डाल दूँगी, जब वो पक जाएगी तो उसमें नमक गरम मसाला डाल के और बन जाएगी मेरी सिंपल सी भिंडी प्याज, भिंडी दो प्याज आप बोल सकते हो इस तरह से, तो वो बन जाएगी। और ब्रेकफास्ट के लिए जो मेरा बैटर है वो भी रेडी हो गया है। तो इस तरह से काम है ना बड़ी जल्दी हो जाता है प्लानिंग करने से, तो आप भी ये कर सकते हैं। और बाकी मेरे चैनल पर जो होम एंड लाइफस्टाइल वाला चैनल है उस पर आप जाके ट्राई कर वीडियोज़ जो है वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो बस अब मैं इसको ढक के पका लूँगी और जो मेरा काम है जैसे काउंटर टॉप वगैरह है उसको मैं साथ के साथ जो है क्लीन कर दूँगी। और थोड़े से स्प्राउट जैसे बच गए हैं तो उसको भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि जितनी क्वांटिटी ना उसी हिसाब से बर्तन आपको यूज़ करना चाहिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो उसको मैंने रख दिया है, वो शाम को इवनिंग स्नैक्स में जो चाट है बड़ी अच्छी लगती है, मूंग जो दाल है इसकी और इसके अंदर प्याज वगैरह डाल के खीरा डालो प्याज डालो तो काफ़ी अच्छी लगती है इसकी। तो यहाँ पे मैंने जो शिमला मिर्च है उसको थोड़ा सा मैं ग्राइंड कर लूँगी और प्याज कर लो टमाटर कर लो जो भी चाहे वेजिटेबल चाहे ना आप इस बैटर में डाल सकते हो, तो बहुत ही अच्छा एक ब्रेकफास्ट आपका बन के रेडी हो जाता है। तो काउंटर टॉप भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया है, इससे ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं रहता और टाइम भी जो है ज़्यादा नहीं लगता है काम करने में। तो तब तक जो है परी उठ चुकी है, तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो उसको पानी देने का होता है, पानी देके थोड़ी बहुत देर रेस्ट करती है, फिर उसको जो है बाकी की जो चीज़ें हैं दूध वगैरह देना वो रहता है। तो भिंडी एक तरफ मैंने रख दी है ये बन गई है और दूसरी तरफ रख दिया है मैंने तवा। तो परी जैसे उठी उसको खुशबू आ गई कि भिंडी बन रही है, तो परी ने बोला कि भिंडी के साथ उसको जो है रोटी खानी है, मुझे चीला नहीं खाना है, अदरवाइज वो चीला ही खाती, बट भिंडी उसकी फेवरेट है, मतलब भिंडी के साथ वो एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेती है और उसको चाहे पूरा दिन आप भिंडी खिलाते रहो। तो मेरे घर में वैसे सबको ही भिंडी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ परी के लिए ना एक पराठा बना रही हूँ, पराठे के साथ भिंडी बहुत अच्छी लगती है, हल्का सा घी वगैरह लगा के मैं बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो पराठे के अंदर जो मैं बना रही हूँ ना सिंपल सा, उसके ऊपर घी लगा करके नमक डालकर और हल्के से अजवाइन डाल के बनाओ तो ये पराठा बहुत टेस्टी बनता है। सिंपल भी आप इसको अगर चाय के साथ खाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, बट परी को अजवाइन वाला पराठा भी पसंद है और भिंडी भी पसंद है, तो मैं उसके लिए एक पराठा बना देती हूँ और बाकी सब लोगों के लिए जो मैं है चीला बनाऊँगी।
और परी ने बोला कि मेरा टिफ़िन रेडी कर दो, जैसे मेरा टिफ़िन लंच में मैं लेके जाती हूँ ना वैसे ही कर दो। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं उसके लंच में मोस्टली ना जैसे रोटी सब्जी होती है और एक फ्रूट रखती हूँ, या कोई सैंडविच वगैरह बनाया उसके साथ एक फ्रूट रखती हूँ। तो उसने बोला कि सेम मेरा ऐसे ही रख दो, मैं अभी नहा के और फिर खाना खाऊँगी, अपना लंच करूँगी। तो बच्चों के ना बड़े ड्रामे रहते हैं, तो मैंने उसका बिल्कुल जैसे लंच पैक करते ना वैसे मैंने उसका जो लंच है वो पैक कर दिया है, और साइड बाय साइड जो मैं अपने चीले हैं वो बना रही हूँ। और मैं सुबह जो है बच्चों को बनाना शेक देना प्रेफर करती हूँ, जैसे अभी गर्मी आ जाएंगी तो मैंगो शेक हो जाएगा, अदरवाइज़ बनाना शेक उनका डेली का होता है चाहे वो स्कूल जाएँ या घर पर रहें। तो दोनों के लिए मैं बनाना शेक बना रही हूँ, और परी का टिफ़िन रेडी करके मैंने रख दिया है। तो जो एक जो मूंग दाल का जो चीला होता ना वो थोड़ा टाइम लेता है बनने में, तो इसलिए मैं ना साइड बाई साइड बना रही हूँ ताकि जो बाकी चीज़ें मैं रेडी करूँ तब तक मेरा ये जो है चीले भी एक दो बन के रेडी हो जाए, क्योंकि जब तक एक चीला खाऊंगा ना दूसरा रेडी नहीं होता। तो इसलिए एक दो एडवांस में बना के और फिर रखती हूँ मैं, ताकि वेट ना करना पड़े दूसरा चीला आने तक। तो यहाँ पे दोनों का ही इकट्ठा मैं जो है बनाना शेक बना दूँगी दोनों के लिए, और परी जो है अपना पराठा खा लेगी और नीरव चीले के साथ अपना बनाना शेक लेगा। तो ये हो गया है लंच सॉरी ब्रेकफास्ट, और मैं भी सेम ऐसे ही ब्रेकफास्ट करूँगी, विनोद गुड़गांव है। तो आज का ये हमारा लंच बना के मैंने रख दिया है, तो अब मेरे पास काफ़ी टाइम होगा अपने लिए। तो मैं सुबह ही ट्राई करती हूँ कि लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ रेडी हो जाए, और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हाई प्रोटीन वाला हो, चाहे आपको किसी भी फॉर्म में ले, आप पनीर के साथ कुछ बना ले या फिर ऐसे चीला वगैरह सैंडविच वगैरह कुछ भी बनाए, या फिर एग ऑमलेट वगैरह यूज़ करें। तो सुबह ट्राई करें कि प्रोटीन दे बच्चों को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मुझे पीडियाट्रिशियन के पास जब मैं गई थी तो उन्होंने वही बोला कि आपके हर मील में प्रोटीन होना ही चाहिए बच्चों के लिए। इस एज में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, तो दूध और दही के फॉर्म में, लस्सी के फॉर्म में उनको कैल्शियम मिल जाता है, साथ में प्रोटीन भी मिलता है। और आप हर एक अपने डाइट में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ इंक्लूड करें जिसमें कि प्रोटीन हो। तो मैं ट्राई वही करती हूँ बच्चों को देने का। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट और लंच है दोनों रेडी हो गया, और मेरे लिए बस घर के काम कंप्लीट करके मैं अपना काम पे बैठ जाऊंगी। और अभी 9:15 हुए हैं और मेरा सारा लगभग काफ़ी सारा काम जो है वो रेडी हो गया है। तो इस तरह के सुबह के जो काम है वो मैनेज करके मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ, और घर के काम है वो भी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, बच्चों के टाइम साथ भी टाइम अच्छे से स्पेंड होता है। और आप अगर अपनी हॉबीज़ में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनफ टाइम आपके पास बच जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।